हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन का सलूशन, जो कोर्स कोड होगा एमईसी 003/103, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कैरी करता है 12 मार्क्स और ये क्वेश्चंस को लिया गया है प्रोबेबिलिटी से। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एक बैग है, कंटेन किया है 6 ब्लू 8 रेड एंड 6 येलो बॉल और 2 बॉल को एटेंडम निकाला गया है। ठीक है, वन सेकेंड, एक बैग है उसमें आपका 6 ब्लू बॉल है 8 रेड बॉल है 6 येलो बॉल है, 2 बॉल को एटरेंडम निकाला गया। एटरेंडम मतलब बिना प्लान के एकदम आंख बंद करके निकाला गया है। कौन सा बॉल किस कलर का निकलेगा इसकी कोई एडवांस में नॉलेज नहीं हो सकती, प्रिडिक्शन नहीं निकाला। एटरेंडम मतलब अचानक बिना जाने, जिसका प्रिडिक्शन नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है। पहली पार्ट्स में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड एंड अदर बॉल सेकेंड बॉल इज ए ब्लू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नो बॉल इज रेड। तो दोनों क्वेश्चन का 2 पार्ट्स है, दोनों हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या है। मैं ये पार्ट का सलूशन में अभी फोकस कर रहे हैं, तो ये पार्ट का में आपको देखना है टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है। बॉल तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है, हम लोग लिखते हैं पहले ब्लू बॉल कितना है, पहले वो सब आप जो इंफॉर्मेशन है गिवन डाइट उसको हम लोग देख लेंगे। चलो भाई, नंबर ऑफ रेड थी ब्लू बॉल, क्रम से लिखते हैं। ब्लू बॉल आपका 6 है। नंबर ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल आपका कितना है 8 है। और नंबर ऑफ येलो बॉल, येलो बॉल्स उसकी भी संख्या 6 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्ब कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 12 और 8 20, तो 20 हो गया। अब यहां पर हमारा जो ए पार्ट्स का बनाना आप काफी सिंपल हो गया। हमको बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड बॉल इज ब्लू। ठीक है, तो हम इसको लेते हैं प्रोबेबिलिटी, हम निकाल रहे हैं ऑफ फर्स्ट बॉल, फर्स्ट रेड बॉल, फर्स्ट बॉल रेड एंड सेकेंड 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 बॉल इज ब्लू। यही है, सेकेंड बॉल इज ब्लू। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो इसको वेरी सिंपली हम ये करेंगे। सबसे पहले सी, तो रेड बॉल कितना है भैया, नंबर ऑफ रेड बॉल 8 है, तो सी 8 1 एक ही बॉल निकालेंगे इंटू सी ब्लू। ब्लू कितना कहां पर है, ब्लू नंबर ऑफ ब्लू बॉल 6 है, तो 6 C 1 और टोटल 20 बॉल में हम निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मेट हमें हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे और रिजल्ट लेंगे। ये हमारा ए पार्ट्स का सलूशन होगा। तो जब भी आपको ये मालूम होगा कि जब भी आर का वैल्यू 1 होगा तो ये 8 ही होगा। ठीक है, हम भी करके दिखा देते हैं। 8 माइनस 1 फिर फैक्टोरियल 8 सॉल्व करके दिखा देते हैं, लेकिन यही होता है, दूसरा बार में हम नहीं करेंगे। फैक्टोरियल 6 माइनस 1 टाइम्स 1, हाँ यहाँ पर फैक्टोरियल 20 माइनस 2 और फिर फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पर देखो आसानी से आप देखोगे यहाँ फैक्टोरियल 7 होगा, तो 8 टाइम्स फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर 18 होगा, तो यहाँ पर 20 × 19 × फैक्टोरियल 18 और यहाँ 20 में 2 चला जाएगा, फैक्टोरियल 18 × 2, ये कैंसिल, ये 10 आ गया। अब ऊपर में देखो फैक्टोरियल 7, ये कंप्लीट, 8 6 8 6 48। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका 190। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, काट सकते हैं तो काट लीजिएगा,
ठीक है, इसको और भी आप छोटा कर सकते हैं, टू से कर देंगे तो 24 हो जाएगा, 9 18 5 95। ठीक है, तो तीन से फिर हम इसको 6 और ये 9 4 14 नहीं होगा, 24/95 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड बॉल इज ब्लू। अब दूसरा पार्ट का सलूशन मैं कर रहा हूं, दूसरा पार्ट का सलूशन करेंगे कि नो बॉल इज ए रेड। तो नो बॉल इज ए रेड बनाने के लिए हमको बहुत सारे कंडीशन आ जाएगा, लेकिन उससे बचने का सिंपल उपाय है कि सबसे पहले हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि दो बॉल हम जो निकाला दोनों को दोनों रेड हो, ये हम निकाल लेते हैं। तो बी पार्ट का सलूशन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू रेड बॉल। ठीक है, हम पहले नो बॉल रेड हमको निकालना है, पहले हम वो निकाल लेते हैं टू रेड बॉल और वन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो रेड बॉल। ठीक है, तो रेड बॉल कितना है मेरे दोस्तों, 8 में 2 लिया और टोटल नंबर ऑफ बॉल है 20 में फिर 2 लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये नीचे वाला हमारा कितना आया था हम भूल गए, चलिए फैक्टोरियल 190, तो 190 काट कूट के आया था ना। अच्छा ठीक है, हाँ, और यहाँ बस तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर 190 और 87 फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2 हो गया, फैक्टोरियल 6 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 6 का था, यहाँ 4, तो ये ऊपर में हमको बचा 4 7 28 190। अब 2 से इसको हम काटेंगे तो 14/95 ये है। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ बॉल आर रेड। अब हमको लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो रेड बॉल, जो बी पार्ट में हमको पूछ रहा है, तो 1 से अगर हम घटा देंगे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को तो हमको जो प्राप्त होगा वो हमको क्या प्राप्त होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो रेड बॉल, नो रेड टू बॉल्स। तो इसको घटा दो 1 से, 95 माइनस 14 95 8 81/95। This is the probability of getting two ball and no red two ball। ठीक है, अब इसको दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशन अप्लाई होगा। अभी ऐसा होगा कि probability of getting जो दोनों बॉल हम प्राप्त कर रहे हैं ब्लू में आ रहे हैं, दोनों ब्लू हो और जीरो हो आपका क्या नाम है ये बॉल येल्लो, एक कंडीशन हुआ, फिर उसको जोड़ेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यहाँ पर फिर C20 तो की कर नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लू 1 क्या कहते हैं 1 येल्लो बॉल ये हो गया। अब ऐसा भी कंडीशन हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 ब्लू बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 येल्लो बॉल 20। आप ऐसे भी करोगे तो ये आंसर आएगा, तो इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ सिंपल हो गया। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट आई डिस्कस अंडर दिस वीडियो एंड प्लीज कीप लाइक शेयर एज मच एज यू कैन, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओके ऑफ योर कोर्स कोड एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।